भतीजा बुआ के लेके भागल बा, वह भतीजा जौन शादीशुदा 5-7 साल से पहले से बा, अपना पत्नी के छोड़ के लेके भागल बा। हमारा लड़की चाहिए, हमारा कुछ ना चाहिए, हमारा खाली हमारा लड़की दे दस, हमारा दोसर कुछ ना चाहिए, हमारा लड़की दे दस ना आके हमारा घर अपना रह सो, ना तो हम ना रह दे हम घर में कहीं के आग लगा, हम दोसर कुछ ना जाने। जब केहू के बेटी भागे लेनू तो समाज में सर उठावे लायक ना रहेला, आ जब ओकरा पर समाज में तरह तरह के लांछन लगावल जाइए, तरह तरह के टिबोली बोलल जाइ, तो इंसान कुछ कर ली काहे कि हताश बा, परेशान बा, और जब परेशान आदमी होला तो फिर ओकरा साथे वो आगे पीछे ना सोचेला, कुछ करे खातिर मजबूर हो जाला। यू मुखिया भइल बड़े, लेकिन एक भ्रष्ट मुखिया के नाम से हमनी के पूरा गाँव इनका नाम दे रहल बटे। उर्मिला देवी भी जो औरत हई, अब उनको चरित्रहीन औरत हई, माने कितना वो दिल्ली से लेके साइबर क्राइम बहुत सारा काम बा, वो लोग के मेन झगड़ा एक को बाद जो लड़की दे दे आ वो अपना घर निश्चिंत रहो, हमनियों के निश्चिंत रह दे, सब झगड़े उड़ा जाए, और कोनो झगड़ा नहीं किया, हमार चीज़ हमरा के दे दे, वो अपन जहदम में जाए, रही तब चाहे ना रही तब, उसे इनका मतलब नहीं, लेकिन हमारे लड़की हमरा के दे दे। झगड़ा के कारण बा जे जौन शशिकांत रविकांत गिरी वालो, वो लोग हमरा भाई के फ़ोन करके या हमरा के फ़ोन करके कहता लो, जब नाती खेलाबो, अब लड़का पैदा हो गई बा तारा लड़की के देह से, अब नाती खेलाबो। ये उप मुखिया कहलाए लायक नहीं खेलो, ये भ्रष्ट मुखिया वालो, पूरा परिवार मिल के सबके आ लड़की के भगा के आई लो चाहता लो गाँव में लेके रह के। जौन लड़की के लेके भागल वालो उ रिश्ता में उनकर फुआ लगी हैं, जब भागल बड़ा उनकर फुआ लगी, जी जी। राउर का लगी वो सूरजकांत गिरी, हमारे नाती लगी हैं। अच्छा जी, मतलब राउर भतीजी लगी। जी जी, हमारे भतीजी लगी। भाई लड़की बाली गर्लस या की कारलस ना? 18+ भी है सर। बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से, सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें, संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, हमें राना रुआ देख रहा बनी मैच बॉक्स, और आज अभी हम बानी छपरा जिला के रसूलपुर थाना अंतर्गत अतरसन पंचायत के चपरैठा में। काल रुआ एगो न्यूज़ देखले ओके मैच बॉक्स पर ही कि उप मुखिया के घर पर भइल जानलेवा हमला, उहे जानलेवा हमला जहां भई रहे वही जगह पर हम पहुंच चुकल बनी, उ रियलिटी दिखावे खातिर, या ग्राउंड के सच्चाई जाने खातिर कि आखिर मामला बा तो काहे बा, आखिर एजा विवाद होता या झगड़ा झंझट होता तो काहे खातिर होता। उप मुखिया के घर है पीछे बारुआ देख सकतनी, यही घर पर हमला भई रहे, सीसीटीवी में कैद भई रहे, सामने देखी पोल पर भी सीसीटीवी बा, घर पर भी सीसीटीवी लागल बा, और सीसीटीवी चारों तरफ लागल बा, ऊपर भी रउआ देख सकतनी कि ऊपर भी सीसीटीवी पूरा लागल बा, और चारों तरफ से यहाँ पर सीसीटीवी लागल बा। यहाँ लो आवेदन दिले बन थाना में कि हमरा घर पर आके मारपीट कल गई बा, लूटपाट कल गई बा, और तमाम तरह के आरोप जौन बा 13 आदमी पर बाइन में FIR करे खातिर आवेदन दिहल गई रहे। एकरा बाद दूसरा पक्ष के हम पक्ष जाने खातिर पहुँचल बनी कि आखिर माजरा का बा, आखिर लड़ाई झगड़ा भइल बा या विवाद भइल बा तो आखिर काहे भइल बा, केकरा से भइल बा, जे लोग पर FIR खातिर आवेदन दिहल गई बा वो लोग के घर जौन बा यही जबा। यहाँ लो आपस में पटीदार हई लो, ये देख ली लाइन से पूरा पटदारी के घर बा, ये सारा जौन बड़े ये गिरी गोसाई जी लोग के घर हो, और यहाँ लोग के आपसी विवाद बा, लेकिन विवाद जौन बा जौन यहाँ अला पर रियलिटी निकल के आवता, ग्राउंड रियलिटी जौन बा वो बड़ा चौंकावे वाला बा, और बड़ा मतलब सुनला के बाद बड़ा अजीब सा फीलिंग होता, और हम जाने के कोशिश करें यहाँ पर लोग से बातचीत करे के कोशिश करें कि आखिर ये झगड़ा या विवाद भइल तो काहे खातिर भइल, और एकरा पीछे का कारण रहे, अगर घर पर चढ़ के केहू के मारल जाता, द्वार पर चढ़ के मारल जाता तो काहे मारल जाता, कानून हाथ में लेहल जाता तो काहे लेहल जाता, एकरा पीछे सब कुछ जाने के हम कोशिश करें। फिलहाल यहाँ से जाने के चाहते हैं, यहाँ के दुकान बाबा ट्रेडर्स जौन बा उ टोल टैक्स के लगे बाटे चपरैठा में ही, यहाँ से जाने की कोशिश करते रही। अच्छा, काहे खातिर झगड़ा भइल बा, काहे रौरे पर्दार हो मुखिया जी? अपन खास पर्दार हुआ, हमार दिलीप गिरी जौन बाड़े तो भतीजा लगी हैं, उनकर लड़का लड़की के लेके गई बटे, हमारा लड़की हमार फुआ लगी, वो शादीशुदा लड़का रहा सब है, आ सब परिवार मिल के आराम से हमरा के समझाई, जे उप मुखिया बाड़ी उर्मिला देवी और वहाँ के पति दिलीप गिरी, उनकर बेटा, कई गो बेटा उनका? 3 गो बेटा। अच्छा, शशिकांत गिरी, रविकांत गिरी, सूरज गिरी, तीनों जाना शादीशुदा वालों 10 साल से। सूरजकांत गिरी के पत्नी के रहते हुए लड़की के लेके भागल बड़े, जब लड़की सूरजकांत गिरी सबसे छोटा हुआ? जी छोटा हुआ। अच्छा, उनको ब्याह कहाँ भइल बा? जानी छपरा भइल बा, जानी छपरा माटी के लगे, उनकर पत्नी भी केस कइले बड़ी जी, कोर्ट से भी भइल बा, थाना से भी भइल बा। हाँ,
ये घटना के अंजाम जी घटना के अंजाम पूरा परिवार मिल के दिले बा सर। हाँ पूरा परिवार मिल के दिले बा ये घटना के अंजाम। आई उप मुखिया कहलाए लाइक नहीं खेलो ये भ्रष्ट मुखिया बालू। पूरा परिवार मिल के सबके आ लड़की के भगा के आई लो चाहता लो गाँव में लेके रहे के। जौन लड़की के लेके भागल बालो उ रिश्ता में उनकर फुआ लगी है जे भागल बड़ा उनकर फुआ लगी जी जी। राउर का लगी वो सूरजकांत गिरी हमारे नाती लगी है। अच्छा जी मतलब राउर भतीजी लगी जी जी हमारे भतीजी लगी भाई लड़की बाली कर लसी है कि कार लसी ना 18 प्लस भी है सर। 18 प्लस ना 18 प्लस भी है। कब के घटना है ये 3 अक्टूबर की घटना है। 3 अक्टूबर 2021 22 3 अक्टूबर 2022 से घटना है रात 9:30 बजे के। तब से ही सब गांव छोड़ के भाग रहल अब चाहते ही सब गांव में लड़की के लेकर रहे के। अच्छा जी हमनी के कहना में जो लड़की दे दो हमार तू अपना घर रह हम अपना घर रहें बगल में लड़की हमार रही ना तारा संगे यही पर सब हम परिवार हमार कहता जब जवन हुई तवन देखल जाए लड़की हमारा चाहिए लड़की लेके भाग रहे तो पर FIR वगैरह कुछ जी जी अपहरण केस भई रहे 64 के बयान दिलस लड़की जे हम अपने मर्जी से गइल बनी आई सब परिवार रिसीव करके लड़की के लेके चल गइल। अच्छा आ का परसों के जोन झगड़ा भइल बा जोन में वीडियो में दिखत आ उनको CCTV कैमरा में कि देखिए कि मैं लाठी डंडा चल रहल बा ऊपर ईटा मारा रहल बा CCTV पर उ झगड़ा काहे झगड़ा के कारण बा जे उ जोन शशिकांत रविकांत गिरी बालो उ लोग हमरा भाई के फोन करके आ हमरा के फोन करके कहता लो जब नाती खेलाबो अब लड़का पैदा हो गइल बा तारा लड़की के देह से अब नाती खेलाबो एक के चलते हमने कहीं से नाती खेलाएम से का करब सर अब देखल जाई। तो गौवे लेडीज सब पूछे गौवे दिलीप गिरी से कि अब तू लड़की दे दो नाती हो गई बा न तब हम लड़की कबूल कर ले। तो गाली गलौज होने से अंदर से करे लगे लो गेट के अंदर से गेट तो बंद बा सर वहाँ कुछ अंदर से कुछ थोड़े घुस सकत लो बाहर से केहू अंदर ना गेट बंद करके तीसरा मंजिल से पथराव चालू कर दीवे लो। अच्छा जी 80 फीट बोली तो अगर बिल्डिंग भी आ नीचे से पत्थर ऊपर कैसे जाइए ऊपर से पथराव के लगे दो चार पत्थर लड़का औरत एरियो से चलो गए लो। आ पूरा गांव में सर उनका गुआह नहीं के चलते वो कैमरा लगौले बड़े वो कैमरा लगौले बड़े पूरा गांव में केहू एगो आई विटनेस नहीं खे उनका से दू गो आई विटनेस मांगल जाओ तो गांव में केहू ना मिली पूरा गांव आक्रोश में बा उनकरा। हाँ यू मुखिया भइल बड़े लेकिन एक भ्रष्ट मुखिया के नाम से हमनी के पूरा गाँव इनका नाम दे रहा बटे। उर्मिला देवी भी जो औरत हई अब उनको चरित्रहीन औरत हई माने कितना वो दिल्ली से लेके साइबर क्राइम बहुत सारा काम बा उ लोग के हमने के बंदूक के या दारू के कहता लोग दारू के या बंदूक के ये सब बोली तो गांव में केहू लगावल गेल बा कि दारू बंदूक के ये हमारा गांव में एक आदमी के मुँह सर वना सुने के शशिभूषण गिरी धर्मवीर गिरी रंजन गिरी सब दारू के हमार बालू छड़ के दुकान बा रंजन गिरी के कपड़ा के दुकान बा धर्मवीर गिरी दुबई में लेबर के जॉब करल बाकी जो दुकान तो काफ़ी प्रतिष्ठित जी हाँ। जी बाबा हार्डवेयर के नाम से हाँ छपरा सिवान मेन रोड पे एगो चाची बनी है जा हम चाची से जाने की कोशिश करते नहीं चाची काहे खाती कुली का होता काहे भइल बा हम तो यहाँ के लड़की हैं। अच्छा ठीक बा इजा राउर मायके हो। हाँ तो हमार लड़की उ ले गइल बड़े अपहरण करके रात में। अच्छा हाँ ले गइल बड़े हमरा लड़की चाहिए राउर उ लड़की के लगी है राउर हमर भतीजी है। अच्छा उनकर फुआ है राउर। हां फुआ है बस यही खातिर सब कुछ बा इतना दिन का के भेंट कइल गइल के लड़की लिया के दे दी है। अब हमनी के ना छोड़ब सो जब ले हमर लड़की लिया के ना दिए तब तक ले उनका हमरा कुशल नहीं के तो लड़किया तो कहती है कि हम रहे अपना मर्जी से गइल बानी तो कभी नहीं हो सकेला हमर लड़की से जो कुछ कहवा सो ओ के हम नहीं खिजा। हां हमर लड़की ले गइल बड़े तो जो कुछ भी करवा सकेला कुछ भी कहवा सकेल ये बात के हम कैसे माने हमरा सामने लड़की लेके गई ले हम यही रहनी समझे। यहाँ पर और चूंकि झगड़ा जोन भइल बा ओ दिन के ऐसा पता चलता और भी काफ़ी सारा लोग से बातचीत करे पर चूंकि बहुत सारा लोग कैमरा के सामने नहीं खे आवत चाची का भइल ओ दिन काहे झगड़ा भ झगड़ा भऊ जो हमनी के गाँव सन पूछे खातिर जो हमारे लड़की कहाँ रखले बारू लिया के द तो वो कहता रही जे हम लड़की ना दे हमनी कहनी सन जे ना हमनी के लड़की चाहे हाँ लड़की चाहे ओकर बाद वो दो तीन गो मर्दाना रखले बालू लड़का तो कहता लो जे ऊपर से लगल लो ईंटा चलावे तो हमनी के गाली गलौज देहनी सन हमनी के गाली गलौज देहनी सन ईंटा चलावे लगल लो तो आ उहो लोग गाली गलौज देवे लगल ओकरा बाद पुलिस लेके आई लो तो यहाँ लोग गइनी लो तो हल्ला गदर भइल पुलिस लो माने हटा दे हल्लो कि हमनी के लड़की चाहिए हमार लड़की दे दे तो लड़की तो कहती है कि हम रहे मुके साथ
ना लड़के कहती है तो हमनिक ना रह दे हमार लड़की चाहिए लड़की वाला भी है लड़की कितना दिन के उम्र भाई लड़की के और कहती है जो रहे हमारा शादी शुदा रहुआ लोगन बानी लोगन के हमार लड़की रखे लोगन कितना दिन के शादी शुदा बढ़ाए पाँच साल के छः साल के शादी शुदा बढ़े मेहरारू उनकर मेहरारू तो मेहरारू तो शादी शुदा बाड़ी नु कहाँ बाड़ी अब हमने के का जानते से जब कहाँ बाड़ी ना वो कदम केस के लिए बाड़ी नु किस करी बड़ी तो अपना पति पकड़े बड़ी अच्छा हाँ जो लड़की वाला के लड़की लौटा दी आ के बाद हमने अपन चीज रखब तो लड़की हमें लौटा हमारा लड़की के खिया पिया के पढ़ा के भुलौले बड़ा सर हमारा लड़की नाबालिग भी है लड़की हमारे लड़की चाहिए हमारा कुछ ना चाहिए हमारा खाली हमारा लड़की दे दस हमारा दोसर कुछ ना चाहिए हमारा लड़की दे दस ना आके हमारा घर अपना रह ना तो हम ना रह दे हम घर में कनिक आग लगा हम दोसर कुछ नहीं जाने देखली आक्रोश केहू के घर के इज्जत होला केहू के बेटी अगर घर से भाग जाओ इस तरह के कदम उठावे तो आक्रोश में कुछ कह दी और फिर सोचे समझे के क्षमता जोन बा खत्म हो जाला का भइल बा चाची काहे झगड़ा होता है जाकर लगे में आपस में सब कुछ सुनबे कनी ना लड़की के लेके नाता में वो भतीजा लगे हाँ फुआ लगे हाँ ना तो इहो नाता रिश्ता उलो भुला गई ना रास्ता निश्ता उलो राखी लो ते काम ना कर लो एक लगे रह के ना तो ये हम के निमंत्रण बाकी लड़की दे दे उलो ना मातारियो बारी तो कोई गुड डेट दे हली दे हम डेट सब फेल हो खल जाता कौनो डेट पर राजी नहीं की होत आज भी रहल पंचायत के बाद आज भी फेल हो गई मुखिया भी कहनी चौकीदार भी कहनी कि एतवार के रखल जाई वही में का फैसला हुई ना हुई वो दिन सब क्लियर हो जाई ना तो वह लोग गाय बानी आज के डेट दे के आ कौन फैसला भी ना भैल तो यही निमंत्रण पर लोग के जो भरसक में लड़की मिल जा ना दे दो लड़की वही लोग के लगे भी है चाहे जेकरा लगे भी है सास के लगे होके चाहे अपना जे भी उनका परिवार बा उनका लगे होके ना लड़की के दे दिलो तो सब झगड़ा मेटल बा कोनो झगड़ा नहीं खेला तो परे पर्दा रहे लोग हाँ हाँ पट पटदार रही लो सब बात साचे बाटे यहाँ लोग झूठो खानी कहत नहीं वैसे ना वैसे ले गल बन लो तबे ना हमने कहत नहीं सर रउआ रउआ हम भाई जेठ भाई है शशिभूषण गिरी के अच्छा मैंने और भतीजी है लड़की हाँ भतीजी है मेन झगड़ा एक को बाद जो लड़की दे दे आ वो अपना घर निश्चिंत रहो हमनियों के निश्चिंत रह दे सब झगड़े उड़ा जाए और कोनो झगड़ा नहीं किया हमार चीज हमरा के दे दे वो अपन जहदम में जाओ जो रही तो चाहे ना रही तो उस के मतलब नहीं लेकिन हमार लड़की हमरा के दे दे यह मांग बा ओकरो से मांगा तो निशन है लेकिन डेट पर डेट डेट पर डेट डेट पर डेट यह कहती है जो हाँ अगला महीना में दे दे तो हम सुरक्षित रख ले बनी तो बिया तो दे दे बिया कि नहीं खेई हमने के नहीं खे मालूम वो कनी के मुँह से न सुने में आवत है हाँ दे दे बिया कहाँ बिया हो सकल लड़की डर से उन के पक्ष में लड़की तो राव रही है ना विदेश रही ना जी थाना में आवेदन उदन सब सब भइल बा तो थाना में सब हमनी के ओकरा पहले दे देले बालो 13 आदमी पे वो लोग से पहले हमनी के आवेदन दे चुकर लनी सब कहे के आगे 4-5 आदमी ओकरा घर में एनी टाइम अभी भी रहता अच्छा है घरवा में हां हमनी के थाना पर सना दे चुकल बनी सब आज 5 दिन हो गए फिर भी हमरा से 10 दिन पहले फोन पर उर्मिला देवी से बात भइल कि 10-4 गांव के आदमी बिटोरे पंचायते में तब दियाई तब लड़की दियाई हमरा के कोर्ट में नाम मारित लो एथी ना करित लो तो हम लड़की वहाँ वापस दे देती लेकिन हमरा के मारा ले बालो हमारा नुकसान कर ले बालो ये से लड़की हम ना दे खुद 10 दिन पहले हमरा मोबाइल पर फोन भई रहल बात भई आज मुखिया जी कल आई रहें पंचायती के रहल देखिए एबरे ना आइल लो पूरा आदमी ऐसे रहल बा ना आइल लो तो बस लड़की रहा और वापस आ जाए तो सारा झगड़ा खत्म सब 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 जड़ हम तो पहले हूँ सीवान में हमरा के 4 बार बुलावल लो ना कहल कि चलो राय से हो जाई जहाँ हमरा से साइन करा कोई करा ले हम कर दे ना हमरा घर से तोरा घर से कोनो मतलबे ना रही
तू में तक गाली गरोज कुछ ना हो, एक हम गारंटी ले तनी। तो कल ठीक बा, फिर गांव के मुखिया जी के बुलाओ लो, वो लेके गनी, फिर दोल्हा पाती टाइम पर टाइम टाइम पर टाइम डेट लेत गई लो, तब को सुनवाई ना। आज देखी मुखिया जी के सामने मुखिया जी कहें कि आतवार के पंचायती बा, आज अभी तक ले ना भइल कोनो, बताई। यहाँ पर उप मुखिया के भसुर हैं रउनु, देवर हैं जी जी, देवर हैं जी। ये लड़का जोन भागल बने सूरज भान हूँ जी जी, सूरज कुमार, सूरज कुमार जी। तो उनका रुआ चाचा है जी, रुआ संज्ञान में बाकी लेके भागल बने। हाँ माने सच बात हो कि झूठ? हाँ ना सच बात हो। का मामला बा टोटली? मामला लड़की के लेके भागल बन, वही के लेके सब कुल हो रहा है। कोनो जमीनी विवाद ना? ना दूसर तरह के विवाद ना, कोनो विवाद नहीं है, पूर्ण रूप से उ लड़की के मामला बा जी जी। लड़की रिश्ता में उनकर फुआ ही हो? फुआ ही हो जी। पंचायती उचायती भइल होई त उमे तरुआ रहल हो के? अभी कोनो पंचायती नहीं के भइल। अच्छा अभी तो 8 महीने पर भाग के आइल जी, आज तो होखे लगल पंचायती। हां तभी कहां कोनो बात भइल। देखिए टोटल मामला जोन निकल के सामने आवता, जोन यहाँ आइला पर बातचीत कैला पर समझ में आवता लोग से कि उप मुखिया उर्मिला देवी के छोटा पुत्र जे की शादीशुदा बने अपना पत्नी के छोड़ के एह घर के अपना ही पटीदारी के बुआ के रिश्ता में बुआ के लेके भाग गए। ये घटना जोन बा 2022 अक्टूबर के है, 3 अक्टूबर के लेके भाग गई ले। उकरा बाद से लगातार दबाव बनावल जाता लड़की के परिवार के तरफ से कि भाई लड़की के वापस कर दहल गई। मामला जोन बा कोर्ट तक पहुँचल, गवाही भइल, लड़की कलस के हम रहे के चाहत हनी, लेकिन हिंदू एक्ट ई कहीं से अलाउ ना करेला कि एगो पत्नी के रहते दूसरा पत्नी के रउआ रख सकतनी। पहला पत्नी FIR लो पकैले बिया, उ मामला चल रहल बा और वही के लेके आक्रोश बा। तमाम कई बार आपस में यहाँ पर समझौता या पंचायती भइल बटे कि लड़की वापस कर दल जाओ, लेकिन अभी तक लड़की वापस नहीं खेकल गई। रउआ के बता दी कि मेडिकल साइंस भी ए बात के गवाही ना देला, मेडिकल साइंस भी कहेला कि जौन ब्लड रिलेशन बटे ओमे आपस में शादी ना होके के चाही। ओकरा अलावा अगर हिंदू रीति रिवाज के रउआ मानतनी तो माई के 7 गो रिश्तेदारी और बाप के 5 गो रिश्तेदारी तक बरा के हमनी यहाँ ब्याह कल जात रह। एकरा पीछे साइंटिफिक रीजन बाटे, गूगल करें तो मिल जाई कि अगर एक ब्लड के रिलेशन के लोग शादी करी ओकर बाल बच्चा पैदा हुई तो अपंग पैदा हुई, कब सुबहित पैदा ना हुई, इ मेडिकल साइंस में दर्शावल गई बा। मन करे तो रुआ गूगल करके पढ़ सकतनी। ऊ यहाँ पर मानवता के रिश्ता के शर्मसार कर गई बा, भतीजा बुआ के लेके भागल बा, उहो भतीजा जोन शादीशुदा 5-7 साल से पहले से बा अपना पत्नी के छोड़ के लेके भागल बा। तो टोटल झगड़ा जोन बाटे ये रिश्ता के शर्मसार कैला के बाटे। आज भी यहाँ लोग खुलेआम कहतनी कि अगर लड़की हमार वापस आ जाए तो कोनो भी प्रकार के झगड़ा ना रही, कोनो भी प्रकार के बवाल ना रही। प्रशासन जोन बा, प्रशासन भी एमे ऐसा मामला बा, ऐसा संगीन मामला बा, केहू के बेटी या केहू के घर के रुआ इज्जत के लेके भाग जाम या इज्जत के साथ खिलवाड़ करेम तो वो आक्रोशित होके कुछ ना कुछ तो करबे करी। एक चीज़ और पता चलल है कि यहाँ टिबोली भी मारल जाता, बोली भी मारल जाता कि अब लड़का हो तो खेल ह, अब मामा बन जीब तो नाना बन जीब। आसपास के लोग भी मजा ले रहल बा कि बेमत बा फरिया लेवे के, बहुत सारा प्रताड़ना बा। जब केहू के बेटी भागे लेनू तो समाज में सर उठावे लायक ना रहेला, आ जब ओकरा पर समाज में तरह तरह के लांछन लगावल जाइए या तरह तरह के टिबोली बोलल जाइ तो इंसान कुछ कर ली, काहे कि वो हताश बा, वो परेशान बा। और जब परेशान आदमी होला तो फिर ओकरा साथे वो आगे पीछे ना सोचेला, कुछ करे खातिर मजबूर हो जाला। ऐसे प्रशासन के चाही कि एमें जब पहले से शादीशुदा इंसान बा तो लड़की के वापस करवाओ, ओकर जौन भी न्याय उचित व्यवस्था बा न्याय के तहत कानून के तहत ऊपर अमल करके मामला के शांत कराओ, ताकि इहो परिवार शांति से अपना घरे रहो और उहो परिवार अपना शांति से घरे रहो।